तो कैसे हो भाइयों, आज तुम्हारा भाई आ चुका है आपके लिए एक और वीडियो लेकर ज़बरदस्त। तो आज मैं लेके आया दोबारा से भाई पार्ट टाइम ड्राइव से रिलेटेड। आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी आए थे जो मैंने नंबर दिया था पिछले वीडियो में, उस वीडियो में भी आपने काफ़ी मुझे मैसेज भी किया था और कई उन्होंने तो भाई कॉल भी किया था। तो ये मेरी पार्ट टाइम की आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी समय शाम के बज रहे हैं लगभग 5, मेरे पे एक बुकिंग आ रखी है गाइस। देखो अभी टाइम हो रहा है कितना, 5:02, और ये जो मेरी राइड थी ये थी 4:49 की, लेकिन मैं यहाँ पर आया था कितने बजे, 5 बजे आया हूँ। और मैं अपने घर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर आ रखा हूँ, वहाँ पर उसको मैंने बाइक खड़ी कर रखी है। तो आज की इस वीडियो में भाई ये हमारी पहली राइड है जो कि ऑटोमेटिक SUV है। तो देखते हैं भाई इसमें कितनी अर्निंग बढ़ती है और इसके बारे में आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। ये देख रहे हो आप, अर्न एज यू ड्राइव, ऑटोमेटिक SUV है ये। तो गाइज़ मैंने ना जब गाड़ी ऑप्ट की थी, जब मैंने गाड़ी जब ली थी ना, तो उस समय मैंने वहाँ पर डाल रखा था ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों डाल रखा था। तो दोनों में से कोई भी आ सकती है, अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक ही आएगी, अगर आप मैनुअल अगर लेते हो तो मैनुअल ही आएगी, ठीक है। तो वैसे आपके ऐप के अंदर भी ये ऑप्शन आता है एक जगह पर, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसके अंदर माई अकाउंट में जाओगे ना, यहाँ पर आओगे अपडेट कार्ड टाइप, देखो यहाँ क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर है, ये देखो हैचबैक सेडान SUV। तो ये ऑटोमेटिक वाली है और ये मैनुअल वाली है। तो मैं इन सब में अनटिक करके यहाँ अपडेट कर दूंगा तो मेरे पे उस हिसाब से आएगी। तो मैंने अभी सबमिट टिक कर रखा है ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। तो ये भाई पहली बुकिंग है, इस समय बज रहे 5। तो चलो देखते हैं इसमें क्या अर्निंग होती है और वीडियो में बने रही है, वीडियो ज़बरदस्त बनने वाली है आज की, और काफ़ी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव इसमें चीज़ें आज बताने वाला हूँ ड्राइविंग से। तो ठीक है, मिलते आगे। सो गाइस कार मिल गई है, कार की भाई फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको फ़ोटोज़ लेनी पड़ती है। तो ये है BMW X1, दिस इज़ लग्जरी तो हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसको। तो देखो ये इसमें ऑप्शन आते हैं, तो लेफ़्ट से फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, तो हम इसके यहाँ लेफ़्ट से फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। पूरी फ़ोटो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नंबर प्लेट है ना गाइस वो आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये देखो सामने से गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से। तो फ्रंट फ़ोटो ले लेते हैं ये, ठीक है। मतलब जो जो ऑप्शंस है ना उस उसको कंप्लीट करते रहना है आपको, और कुछ भी नहीं। और साइड से कर लेते हैं फोटो। तो गाइस दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम टू ड्राइव BMW X7 ऑटोमेटिक फुल्ली। हाँ लग्जरी तो ऑटोमेटिक तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना अब हमें लास्ट में एक फ़ोटो लेनी है इस इनकी, जो कि है सेल्फी फेस विथ टी शर्ट। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई गाड़ी मिल गई ज़बरदस्त, ठीक है। ये मैंने फ़ोटोज़ खींच ली, देखो ये सारी मैंने डिटेल भर दी इसमें। तो इस बार गाड़ी जब मिली तो उसने मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ना हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट हमने क्लिक कर दिया। अच्छा अभी ना गाड़ी नंबर मांग रहा है इसमें, जो गाड़ी नंबर लिखा है ना यहाँ पर एज इट इज़ वैसे भर देना है। HR 26 वैसे तो ऑलरेडी लिखा आ गया है, इसने डिटेक्ट कर लिया है। इसमें क्लिक करके BD 0070 सबमिट, बस अब क्या कर देंगे यहाँ पर स्टार्ट ट्रिप। तो ये होगी आपकी ट्रिप स्टार्ट, और ये है मेरा अर्न एज यू ड्राइव। मतलब कस्टमर जितनी देर तक बोले ना उतने देर तक आपको इसमें ड्राइव करना है, तो मेन चीज़ इसमें ये है। तो चलो कोई नहीं, अभी हम रनिंग कर चुके हैं। देखो इसमें रनिंग भी लिखा, रनिंग यानी कि अब हम ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अब कस्टमर जब भी बोले हम उस हिसाब से यहाँ से निकल सकते हैं। और ये मेरी बाइक यहाँ खड़ी, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई साहब, टाइम देख रहे हो अब 5:25 हो गया, यहाँ पर मैं आ गया था 5 बजे। तो चलो चलते हैं और आपसे मैं आगे मिलता हूँ, ठीक है। आज मैंने 5 बजे से लॉगिन किया था और आज मैं ये सोच के चल रहा था कि यार आज मैं कम से कम 1-2 या 3 राइड तो मार दूं, ताकि ना मैं आप लोगों को रिव्यू दे पाऊं अलग अलग गाड़ियों के और मेरी कितनी अर्निंग होती है। लेकिन इस एक ही बुकिंग ने मुझे यहाँ पर अटका दिया है और मैं हो चुका हूँ परेशान बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर यहाँ बैठे बैठे पिछले 4-5 घंटों से। तो वीडियो में कुछ ज़्यादा था नहीं बताने के लिए, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल ना होली है और छोटी होली है, तो कल के दिन मैं फुल टाइम इसमें काम करूंगा और मैं देखता हूँ कि फुल डे मैं काम करता तो कितनी अर्निंग होती है। फिलहाल आज की डेट में आज मैंने 5 बजे स्टार्ट किया था काम और अभी रात के 10:30 हैं, तो आज मेरी कितनी अर्निंग होती है ये भी मैं आपको वीडियो में एंड में बता दूंगा जब मैं इस ट्रिप को क्लोज करूंगा। तो गाड़ी देखो भाई, ये गाड़ी थी BMW लग्जरी ऑटोमेटिक, देख रहे हो। तो अगर आप लोगों ने इस गाड़ी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है
ठीक है। आपको ना मैं टिप दे देता हूँ। टिप भाई ये है कि जैसे कि मान लो कि आपको कोई लग्जरी गाड़ी मिली है और आप पहली बार चला रहे हो और आपको उस गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है कि मतलब इसके क्या क्या फंक्शन है और कैसे कैसे इसमें गियर चेंजेस वगैरह होंगे, तो आप क्या करना कि यूट्यूब में ना ट्यूटोरियल देख लेना उस गाड़ी के बारे में। तो उससे ना आपको क्या होगी कि एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि उसके मतलब क्या क्या गियर फंक्शन है। ऐसा तो इसमें गियर नहीं ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी देख रहे हो इसमें मतलब फंक्शन थोड़े अलग है। मतलब फंक्शन तो वही है लेकिन थोड़ा तिरछा है ये। और इसमें हैंड ब्रेक का सिस्टम ये है, इसमें क्लिक करोगे हो जाएगा, अप करोगे तो हैंड ब्रेक लग जाएगा, क्लिक करोगे तो हैंड ब्रेक हट जाएगा। दोस्तों टाइम की बात बताओ तो अभी इस समय रात के 12 बज रहे हैं और ये राइड ख़त्म ही नहीं हो रही, पहली राइड है अभी तक, क्या करें। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये देखो दिखा भी देता हूँ मैं आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर। रात के 12 बज रहे हैं ऊपर, अरे यार बैटरी लो। ये देखो ये पहली ही बुकिंग है मेरी अभी तक, अगर मैं बैक करके दिखाऊंगा आपको तो। ये देखो अभी तक अर्निंग ज़ीरो दिखा रहा है और रात के 12 बज चुके हैं। ये अपनी गाड़ी है हमारी आज की, वही जो आपको मैंने उस समय दिखाई थी। तो वही अब यहाँ से निकलना है, देख लो कुछ ऐसी कंडीशन है गाड़ी की। तो क्या करें भाई, मुझे लगा कि 2-3 घंटे का काम होगा लेकिन ये तो पूरी रात निकल गई यहाँ पे। और मेरी बाइक वहीं पर खड़ी है, तो वही तो अच्छा हो मैम बढ़िया है, मैम बढ़िया है। मैम ने बोला ही था कि आपको टेंशन मत लो, आपको यहीं से जाना है घर, मतलब आप अपनी बाइक घर ही ले जाओगे आज, टेंशन मत लो, बस आपको उनको छोड़ के आना है। बस अब मैंने उनको छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ घर। देखते हैं और भी कुछ बचा है या नहीं बचा है, अगर बचा होगा तो करेंगे, नहीं बचा होगा तो फिर घर निकलना पड़ेगा। और काफ़ी लेट हो गया, 12 बज चुके हैं यार, यानी कि 5 बजे लॉगिंग किया था, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 घंटे हो गए। तो और ऊपर से नाइट चार्ज भी लगेगा 10 बजे के बाद, जैसे कि ड्राइव व्यू कहती है। तो ये गाड़ी कर ली हमने ऑन, ठीक है निकला जाए, बैक कैमरा ऑन हो गया है। कुछ नहीं करना भाई, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना है हमें। तो गाइज ये सिस्टम है, अब यहाँ से एग्जिट लेते हैं। एग्जिट कहाँ से वो देखना पड़ेगा। अच्छा वो देखो वो लिखा सामने एग्जिट, तो हमें ना गाड़ी इधर को घुमानी है। तो अब देखते हैं कि यार और भी कुछ बुकिंग वगैरह, मतलब बुकिंग क्या, और भी इसमें हमें आगे कुछ करना है नहीं करना। देखो डी लगा दिया यहाँ से, अब हम जाएंगे यहाँ से आगे को। तो देखो जो भी कुछ अपडेट होता है ना मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। 8 किलोमीटर से आया था लेकर इनको, ये वेस्टर्न अपार्टमेंट है गुड़गांव सेक्टर, कौन सा है ये, फेस 5 डेलर फेस 5 सॉरी, ये रहा एग्जिट। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। और फर्स्ट टाइम भाई BMW मिली है आज, पहली बार, एक हाथ से व्लॉगिंग एक हाथ से ड्राइविंग। तो गाइस देखो आप मत करना, थोड़ा ये रिस्की हो सकता है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों से गाइस मुझे बात भी करनी थी कि अगर आप ये ड्राइव व्यू पार्ट टाइम करते तो कितनी अर्निंग होती है, फुल टाइम कर ले तो कितनी होती है। तो मैंने वैसे पार्ट टाइम भी देखा है और फुल टाइम भी देखा है। पार्ट टाइम में मैं देख पा रहा हूँ कि 650 तक की अर्निंग तो हो जाती है आराम से, ईजिली, मतलब सब कुछ कट पिटा के 650 आपके हाथों में आते हैं। और गाइस फुल टाइम में आपके आराम से 1000-1200, डिपेंड करता है, अगर आप रात को भी करते हो तो उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर और लास्ट में ना अर्निंग आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। और प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करा करो आप मेरी वीडियोस पे कि मतलब आपको क्या देखना पसंद है और आपको किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हो आप। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। यार वीडियोस में आते हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। बिना लाइक करे यार जाए मत करो, तुम्हारे भाई को अच्छा नहीं लगता बिना लाइक करे आप जाते हो तो। और रात के अभी समय 12 बज रहे हैं। एक मिनट बस, उन्होंने बोला था जो सेकंड वाले थे गाड़ी छोड़ के खुद कैब में आ जाना है यहाँ पे, उन्होंने ये बोला था कि गाड़ी आप यही ले आओ। इट्स वन वे राउंड ट्रिप समिट।
तो गाइज यार गाड़ी तो मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है, लोकेशन पर मैं आ गया हूँ। और चेकआउट करने के बाद फाइनल अमाउंट ही आया मेरा 1101 रुपये। होम स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखो। और ये कस्टमर ने हमें ये दे रखे गिफ्ट, क्योंकि भाई बर्थडे था। तो गाइज ये वीडियो रात के 2:46 पे ख़त्म हुई मेरी, और अभी टाइमिंग की बात बताऊँ तो देखो 3:55 यानी कि 4 बजने वाले। तो आज की हमारी इस राइड में 9 घंटे 22 मिनट हुए, टोटल अर्निंग हुई हमारी 1101 रुपये 4 पैसे। तो ये 9.5 घंटे की अर्निंग है गाइस। और वैसे तो मैं पार्ट टाइम के लिए गया था आज, लेकिन मुझे क्या होता था कि 9:30 बज जाएंगे, और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कल होली पे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन छोटी होली कल। तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली यार आप सभी को। मुझे लग नहीं रहा कि कल मैं वीडियो बना पाऊँगा, सुबह के 4 बज गए। तो ठीक है यार, कुछ किया ही नहीं हमने, बस बाद आ गए शाम को 5 बजे से लेके शाम तक, रात तक बैठे ही थे। बस रात को थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत 1-2 राउंड, उसके बाद अपना गाड़ी ली, फिर गाड़ी में ही सो गया था थोड़ी देर, फिर अपनी बाइक उठाई और यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसमें देखो आपका कोई पेट्रोल भी नहीं लगा और ना कुछ लगा, ना आपको इधर उधर भटकना पड़ा, बस बैठे रहे, काम हो गया। चलो यार रात बहुत हो गई, सो जाता हूँ। और ये वीडियो आपको कल आज ही मिल जाएगी 1-2 घंटे में, कल सुबह तक आप लोग वीडियो देख लोगे। गुड नाइट।